बिहार का अधिकारी सबसे अगारी, रजनी सिंह को हम लोग सबसे अगारी लाने का प्रयास कर रहे हैं। करो नहीं दौड़ाना है, जितना दूर तक दौड़े दौड़ाना है, दम लेना नहीं। मैं रंजनी सिंह वार्ड 44 के प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह 8 गाड़ी क्रमांक संख्या 6। आपका क्या कुछ उद्देश्य रहेगा, किन किन कामों को आप प्रमुखता से करेंगी? मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाना, सबसे पहला मेरा मुद्दा। झुग्गी झोपड़ी वाले को बहुत लोग कष्ट में रहती है, उसके लिए मैं मकान की व्यवस्था कराऊंगा। और उससे भी ज़रूरी है कि ये लोग को पानी एकदम नहीं है, नल जल की बहुत ज़्यादा कमी है जी। महिलाओं की सुरक्षा पे क्या मैम, उसके लिए क्या कुछ रहेगा? क्योंकि वार्ड नंबर 44 में देखा गया है कि आए दिन चैन स्नेचिंग वगैरह होता है महिलाओं के साथ। हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रही हैं जी, चैन मोबाइल ये सब बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसकी सुरक्षा ज़रूर कर पाऊँगी, मेरे से जितना हो सके मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकूँगी महिलाओं के लिए। जिससे बहुत घरों में बूढ़ी लोग हैं, माता जी लोग, लेकिन वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती है, राशन कार्ड की भी बहुत नहीं मिल पाती है बहुत लोगों के, सब में बहुत सारी, इसीलिए मैं कर लूँगी। खिमनी चक्रिया में प्लस टू स्कूल नहीं है, बहुत ज़रूरी है, वहाँ के बच्चे मलाई पक्की में जाते हैं पढ़ने, वहाँ शिक्षा की बहुत व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे वाली जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा समर्थक मिल रहा है। आगामी 28 तारीख को जो पटना नगर निगम में चुनाव है, इसको लेकर के हमारे माध्यम से आप क्या कुछ जनता से निवेदन करती हैं? 44 की जनता से यही निवेदन करती हूँ कि मैं रंजनी सिंह कार्ड की गाड़ी क्रमांक संख्या 6 पर सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 28 तारीख को घर से निकले और कार्ड की गाड़ी पर जाके वोटिंग करे, यही मेरा सभी से निवेदन है। पटना नगर निगम आगामी 28 तारीख को है, आपके वार्ड नंबर 44 से प्रत्याशी तो बहुत सारे खड़े होंगे मैम, और सबसे ज़्यादा अभी क्षेत्र में दौरे के दौरान वार्ड नंबर 44 से रजनी देवी जी का समर्थन भरपूर देखा जा रहा है, क्या कुछ लगता है मैम, रजनी देवी का सहयोग इस बार जनता करेगी? जी जी बिल्कुल करेगी, उनके लिए पूरा जनता है, वार्ड नंबर 44 के लिए पहले भी की है, आज भी करेगी, और उनका करना में जब करते ही रहेगी, जब तक सांस रहेगी तब तक 44 जनता के लिए मेरी आस रहेगी। इसलिए वो खेमनी चल गई, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी वाले लोग इतना आती हो रहे हैं जिसके पहले कोई खड़ा हुआ है, न पानी का व्यवस्था है न टॉयलेट का व्यवस्था है, इसके लिए बहुत समर्थन है। महिलाओं को कितना उम्मीद है रजनी देवी जी से? हम लोग पूरा उम्मीद लेकर वार्ड नंबर 44 के लिए पूरा जनता उम्मीद लेकर चल रहा है, रजनी सिंह करेंगी सब दिन के लिए, जितना दिन रहेंगी वो करेंगी, इसके लिए इनके लिए आगे भी हम लोग का हौसला है, जिसके लिए आगे भी हम लोग आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोग के वार्ड में क्या कुछ सुरक्षाएं हैं महिलाओं को लेकर के, जो लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्या कुछ है अभी? नहीं, अभी तो जानिए जो रोड पर चलते हुए चेन से छिना जा रहा है, लड़की के साथ ऐसे अति हो रहा है, ये सब है। अब कुछ भी झोपड़ी वाला को आ रहा है झोपड़ी उठा के चल जा रहा है, तो इसके लिए वो समर्थक हैं और रहेंगे। मैम अभी फिलहाल इस वार्ड में महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या किस तरह की असुविधा हो रही है? सारा चीज़ का अभी सुविधा है मैम, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, खाली कचरा हटाओ, ग्रीन गार्डन बनाओ, यही तो देखे हैं सुविधा, अब कुछ नहीं देखे हैं सुविधा। तो आपके प्रत्याशी से बहुत सारे कहना पर रजनी देवी ने क्यों सब चुन रही है? चुनेंगे नहीं, करने वाला इनका ससुर किया, तो ऐसा सब करते हैं कि जीतेंगे तो हम करेंगे, अपने वादे पे उतरेंगे, उतरेगी ना तब क्या कर रही है, पहले से इनका ससुर कर रहे हैं, दूल्हा कर रहे हैं, टी भी करेगी, इनका तो बड़वा खुद कर ये वाला है, कोई ऐसा नहीं जो कि नहीं करे वाला है, ऐसा नहीं है जो कि नहीं करेगा, एकदम देंगे वोट, पूरे मोहल्ले को वोट दिलाएंगे, यानी वार्ड नंबर 44 में कार्ड गाड़ी का लहर दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा, निश्चित दौड़ेगा, मार का अधिकारी सबसे आगे। वार्ड नंबर 44 से और भी महिला प्रत्याशी खड़ी हैं, रजनी देवी जी ही क्यों?
रजनी देवी में कुछ खास क्वालिटी है और रंजनी जी जो है पहले से पिछले 10 वर्षों से जनता के लिए कार्य कर रही है। हर साल कुछ न कुछ करती हैं, कभी जागरण, कभी कथा, कभी भागवत, कभी कम्बल बांटना, हर हमेशा जनता की सेवा में लगी रहती हैं। वो एक महिला कैसा हो जैसा हो।